विटामिन ए बी सी डी ई के की कमी से कौन से रोग होते हैं और इस कमी से कैसे बचा जाए? विटामिन ए रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाली प्रसिद्ध बीमारी रतौंधी होती है। इस बीमारी में आंखों से दिखना धीरे धीरे बंद हो जाता है। आंखों से आने वाले आंसू ना आने से आंखें सूखने लग जाती है। बालों और त्वचा में भी सूखापन हो जाता है। बचाओ, विशेष रूप से ये हमारी आंखों के लिए फायदेमंद होता है। मीठा आलू, गाजर, अंगूर, सेब, केला इत्यादि, इन सभी में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन बी12 रोग, विटामिन बी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं क्योंकि विटामिन बी बहुत सारे भागों में बांटा गया है। विटामिन बी की कमी से एक प्रसिद्ध बीमारी होती है जिसे हम बेरी बेरी कहते हैं। नींद कम आना, हाथों पैरों में सुनापन, शरीर का लाल हो जाना, महामारी में बदलाव आना इत्यादि बीमारी विटामिन बी की कमी के कारण होता है। यह हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। मछली, अंडा, बीफ, मांस इत्यादि, इन सभी में विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी रोग, विटामिन सी की कमी से होने वाली एक मुख्य बीमारी स्कर्वी है। खून की कमी या एनीमिया होना, पेशाब में जलन होना, पेट खराब होने से दस्त लगना, पथरी का बनना इत्यादि विटामिन सी की कमी के कारण ही होती है। बचाओ, ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को बांध कर रखती है। आम, गोभी, मिर्ची, टमाटर, नींबू इत्यादि, इन सभी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और ये एसिडिक होते हैं। विटामिन डी रोग, विटामिन डी की कमी से होने वाली एक मुख्य बीमारी रिकेटस है। रिकेटस हड्डियों के कमजोर होने से जुड़ी हुई बीमारी है। रक्तचाप का बढ़ना, चक्कर आना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना इत्यादि विटामिन डी की कमी के कारण होने वाली बीमारियां हैं। विटामिन डी यानी रिकेटस आमतौर बच्चों पे अधिकतर होता है। हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने और संभालने का ये काम करता है। मशरूम, मिर्च भी, पनीर, संतरे का जूस, सूर्य का धूप इत्यादि, इन सभी में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ई रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी हीमोलाइटिक एनीमिया है। विटामिन ए की कमी से समय से पहले हुए नवजात शिशु के खून में कमी आती है। वयस्क व्यक्तियों के दिमाग की नसें फटने की संभावना बढ़ जाती है। इसे अत्यधिक मात्रा में सेवन भी शरीर के लिए हानिकारक। खून के कणिकाओं पर असर होने पर खून पर किसी न किसी अंग से बहता है। बचाओ, हमारे शरीर के लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में मदद करता है। आम, सब्जी का तेल, बीज, हरी पत्तीदार सब्जियां इत्यादि, इन सभी में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन के रोग, रक्त के थक्के का ना बनना, ये क्या है? जब हमें चोट लगती है और खून बहने लगता है तो हम थोड़ा देर के बाद देखते हैं कि खून बहना बंद हो गया। ये सिर्फ रक्त के थक्के का बनने के कारण ही होता है। हमारे शरीर में हेपेरिन नामक पदार्थ होता है जो रक्त के थक्के को बनाने का काम करता है। बचाओ, रक्त के थक्के को बनाने का काम करता है। विटामिन के दो तरह के होता है। विटामिन के वन जिसका सोर्स होता है प्लांट फूड होता है जैसे कि हरी पत्तीदार सब्जियां, और विटामिन के टू होता है जो एनिमल फूड से पाया जाता है जैसे कि मिल्क।